तो दोस्तों वेलकम हो गया। दोस्तों यहाँ पर अगर आप सेट क्वाइनिंग में माइनिंग करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, अगर आप सेट क्वाइनिंग में माइनिंग नहीं करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर हम तीन से चार ऐसे जो पॉइंट है वो कवर करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर है आपकी KYC का जो कि मेन पॉइंट हो जाता है, और दूसरा है यहाँ पर इनका जो OTC वॉलेट आया है, OTC वॉलेट यानी कि मार्केट वॉलेट इनका आया है उसका अपडेट, यानी कि आप कैसे वॉलेट को क्रिएट करोगे। अगर दोस्तों यहाँ पर आपने वीडियो को थोड़ा भी स्किप कर दिया तो बिल्कुल भी आपकी समझ में नहीं आएगा और आप यहां पर अटक जाओगे वॉलेट क्रिएट करने में। तो दोस्तों बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जानेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो दोस्तों जो न्यू है उनके लिए मैं यहां पर बता देता हूं कि आपका जो माइनिंग है वो यहां से स्टार्ट होता है और यहां पर आपका कम्युनिटी है, यहां पर आपका इनविटेशन निकलेगा, यानी इनवाइट कर सकते हो किसी को, और यहां पर आपका रेफरिंग दिखेगा, और दोस्तों यहां पर आपका टोकन दिखेगा जो आपका बैलेंस रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर एक लाख से अधिक जो लोग हैं, 1,504 लोग यहाँ पर जो माइनिंग है अपनी स्टार्ट कर रहे हो, और क्या HR आपको मिलता है, ठीक है, हैश रेट मिलता है, और यहाँ पर आपका क्या मिलता है, टाइमिंग क्या है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको ऐप के अंदर दिख जाता है। तो दोस्तों चलिए फटाफट से हम जान लेते हैं कि हम KYC कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपके सामने इंटरफेस आ जाता है, सबसे नीचे राइट साइड में आपका सेटिंग का ऑप्शन होता है, तो दोस्तों आपको सिंपल उस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं फटाफट से सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ, और दोस्तों यहां पर आ जाएगा आपका KYC वेरिफिकेशन। तो दोस्तों यहां पर आपको KYC वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है, इस तरह से यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिस तरह से यहाँ पर दिखेगा। और दोस्तों यहाँ पर जो लैंग्वेज है चाइनीज, तो दोस्तों आपको लैंग्वेज देख के यहाँ पर कुछ भी घबराना नहीं है और कुछ भी यहाँ पर डरना नहीं है। तो दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर आपका जो है मतलब जीमेल मांग रहा है जिससे आपने यहाँ पर साइन अप किया है, और दोस्तों दूसरे नंबर पर मांग रहा है आपका यानी कि पासवर्ड जो कि आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हुए बनाया था। तो दोस्तों चलिए मैं फटाफट वो दोनों भी डाल के और यहाँ पर मैं लॉग इन हो जाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर मैं लॉग इन हो जाऊँगा, थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। तो दोस्तों जब आप जीमेल और पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे तो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों आप कैसे पता करोगे कि आप KYC कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन जाएंगे तो नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 डॉट, और 3 डॉट के ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, और ट्रांसलेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ ट्रांसलेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से ये ट्रांसलेट हो जाएगा और यहाँ पर आप बिल्कुल अब क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पर आ गया KYC नोट वेरीफाई, ठीक है। KYC नोट वेरीफाई के बाद आ जाता है यहाँ पर दूसरा स्टेप, जो कि यहाँ पर आपका जो प्रूफ है वो देना है, जो कि डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट का एक यहाँ पर जो फोटो है वो यहाँ पर सेंड कर देना है। और दोस्तों तीसरे नंबर पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आप जब KYC करोगे तो यहाँ पर आपको एक फोटो देना है जो कि आपके हाथ में आपका जो डॉक्यूमेंट है, और यहाँ पर आपका ID लिखा होगा, यानी कि ID लिखा होगा इसका, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया है, और तारीख वगैरह और आपके साइन भी यहाँ पर चाहिए होंगे, और एक हाथ में आपका जो मतलब जो भी आप आधार कार्ड देना चाहते हो तो उसका आपके हाथ में होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप सबमिट कर सकते हो और अपना KYC को कंप्लीट कर सकते हो। और दोस्तों आप देखोगे कैसे कि नॉट एलिजिबल, तो यहाँ पर आपको क्लियर लिखा रहेगा आई एम नॉट एलिजिबल फॉर KYC, तो अभी मैं एलिजिबल नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा KYC के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आप रेफर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को इन्वाइट करिएगा, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाएंगे 2 से 3 दिन में। तो दोस्तों हमारा ये KYC का प्रोसेस आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर दोस्तों नहीं आया तो आप कमेंट करिएगा, हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं अब दूसरे स्टेप पे, जो कि हमारा है वॉलेट क्रिएट का। तो दोस्तों ये वॉलेट क्रिएट है यहाँ पर आपको बहुत ही डिस्टर्ब करता है, यानी कि ये बहुत ही कठिन है, और यहाँ पर ये भी लैंग्वेज चेंज नहीं है, चाइनीज लैंग्वेज में है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपके आपको जो ऐप ओपन करते हो तो ऐसे इंटरफेस दिखेगा, और ऐसे इंटरफेस दिखने के बाद जब आप ऐप को लोडिंग करोगे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कर सकते हो, या फिर आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर टच करके इस पर भी जा सकते हो डायरेक्ट प्ले स्टोर पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लोडिंग कर रखा है तो मेरे सामने ऐसे इंटरफेस आता है, और अगर आपने लोडिंग नहीं किया है तो आपके सामने आएगा लोडिंग का इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेंगे 6 स्टेप, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले मैं आपको स्टेप दिखा देता हूँ क्या क्या यहाँ पर आपको मतलब मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं पहले स्क्रीनशॉट पे, जो कि मैंने यहाँ पर लेके रखे हैं आपके लिए। और दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं स्क्रीनशॉट में, और यहाँ पर आपको करना है सबसे पहले स्क्रीनशॉट में अपना नाम डालना है, ठीक है,
तो यहाँ पर आपको नाम डालना है अपना और अपना शहर, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर पिन कोड वगैरह और क्या नाम है, क्या क्या यहाँ मांगेगा आप डालते जाइए, परमिशन देते जाइए। और सिक्स स्टेप जो है, सिक्स नंबर पे आपको डालना है रेफर कोड जो कि आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और वो डालकर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जब आप लॉगिन करने जाओगे। तो दोस्तों ये क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल यहाँ इसको ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर रीसेंड आ जाएगा, रीसेंड ऑथेंटिकेटर ईमेल, तो यहाँ पर आपके ईमेल पर पासवर्ड भेजा जाएगा जिसको आपको वेरीफाई करना है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ से ध्यान से देखना है आपको। तो चलिए मैं जीमेल की तरफ चलता हूँ और जीमेल पे यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पर आपको मैसेज आएगा, जीमेल पे पॉपअप आ जाएगा। तो दोस्तों आपको कहाँ पर क्लिक करना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है, सबसे नीचे वाले पे। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक कर देना है और फटाफट से अपना लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगाना है दोस्तों, वरना यहाँ पर टाइम ख़त्म हो जाता है तो आपका जो है मतलब OTC वॉलेट यहाँ पर ज़्यादा टाइम में लॉगिन नहीं होगा। तो फटाफट अपना वॉलेट में पासवर्ड डालकर और जीमेल डालकर लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। और इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर आप वॉलेट में ले सकते हो OTC यानी कि सीड जो कॉइन है उसको यहाँ पर जमा कर सकते हो और यहाँ पर आप एक्सचेंज कर सकते हो, इवेंट कर सकते हो और यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हो और यहाँ पर माई इन्फो पर क्लिक कर सकते हो। और दोस्तों इसका जो रेफर कोड है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहाँ से भी इसको मतलब ले सकते हो और यहाँ पर अपना साइनअप जो है उसका प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑल पे क्लिक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों प्यार एंड सपोर्ट के लिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब।